इधर पश्चिम बंगाल के खेमाशुली में कुर्मी जनजाति को एसटी में शामिल करने और कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मियों ने पिछले 5 दिनों से रेल चक्का और हाईवे जाम कर रखा है। बंगाल, ओडिशा और झारखंड के हजारों कुर्मी आंदोलनकारी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन करने के लिए कुर्मी समाज तैयार है और इस बार हम आर पार की लड़ाई करने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल के खेमाशुली में कुर्मी जनजाति को आदिवासी जाति में शामिल करने और कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय द्वारा पिछले 5 दिनों से रेल चक्का और हाईवे जाम कर दिया गया है। बता दें कि इस क्रम में बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के हजारों कुर्मी आंदोलनकारी अब वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र होगा और इस बार हम आर पार की लड़ाई करने वाले हैं। सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, रेलवे ट्रैक को जाम करके रखा गया है कुर्मी के जो भी कुर्मी जाति के लोग हैं, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अरिजिका, बता दें कि ये आंदोलन की रूपरेखा जो है वर्षों पहले से बनाई जा रही थी। पिछली बार जब 4 महीने पहले उसी जगह खेमाशुली बंगाल के खेमाशुली स्टेशन रेलवे ट्रैक और NH को जाम किया गया था, उसके बाद बंगाल सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन मिली थी कि आप लोग की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी और बंगाल सरकार ये कैबिनेट से पास करके इसे केंद्र तक भेजा जाएगा, मगर वो आश्वासन ही रह गया और उसके बाद लिखित सूचना मिला। इसके बाद से ही ये आंदोलन की रूपरेखा जो है कुर्मी समाज के लोगों ने आसाम, उड़ीसा और बंगाल झारखंड में बैठ कर एकत्रित होकर बनाई थी, जिसे 1 तारीख को एक चकोरिया में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में तय किया गया था कि उसी स्थान पर जिस स्थान पर पिछली बार आंदोलन को छोड़ा गया है वहीं से फिर शुरू किया गया था, जिसका नतीजा है कि पिछले 5 दिनों से खेमाशुली में रेल ट्रैक से लेकर के NH 49 जाम कर दिया गया है। और इस जाम के रिजल्ट के बारे में आपको बता दें कि लगभग 84 ट्रेनें रद्द कर दी गई, कई ट्रेनों का जो है रूट बदल दिया गया, जिसके प्रभाव की हम बात कर लें तो टाटा नगर सहित जो है हावड़ा से जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो बिल्कुल बंद है, जो मालवाहक ट्रेनें हैं वो नहीं जा पा रही है इस ट्रैक के कारण से। बिल्कुल इंद्रजीत, बिल्कुल इंद्रजीत, आखिर इन सब का समाधान कब निकलेगा? दर्जनों यात्री वो निराश होकर लौट रहे हैं, आखिर समाधान कब निकलेगा? जैसे का बता दें कि समाधान के विषय में हमने जब कुर्मी समाज के नेताओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें अब आश्वासन से नहीं हटाया जा सकता, हमें लिखित चाहिए, सरकारी जो है वो लिख करके केंद्र सरकार को भेजे ताकि हमारे समाज को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। तो ये अब देखना होगा कि ये कब जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार को लिख करके भेजती है और इसका समाधान निकलता है। जी रीतिका, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत तमाम जानकारी के लिए। तो आज लगातार 5वां दिन है और कुर्मी आंदोलनकारी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि इस बार हम आर पार की लड़ाई करेंगे।